लोकसभा चुनाव 2024 और बालाघाट की जमीन पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में है शंकर मंजारे। शंकर मंजारे एक ऐसा नाम जो क्रांतिकारी के रूप से जाना जाता है, इन्हें क्रांतिकारी नेता के रूप में लोग मानते हैं। मंजारे जी बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाण। मंजारे जी, ये राजनीति में बार बार आपको मतलब जिस तरह से आप आ रहे हैं और पार्टियों को लेकर काफी चर्चाएं चलती हैं कि हर बार मंजारे जब मैदान में उतरते हैं तो पार्टियां बदलते हैं, क्या वजह है पार्टियां बदलने का? वजह कुछ नहीं, पार्टियां बदलते हैं, हम अपने विचारों को प्रत्याशक हैं। ये जो पार्टियां हम जा रहे हैं, ये पार्टी सब हमारे विचारधारा के एकदम नजदीक है, बहुत करीब है। हमने पार्टी कोई बदली नहीं ज्यादा। हम बहुजन समाज पार्टी से दूसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी से हमने दो बार चुना था, तो बहुजन समाज पार्टी का आपस में बहुत नजदीकी है, कई बार उनके आपस में समझौते हुए पार्टियों के, गठबंधन हुए। बस ये दो ही पार्टी के बीच हम चल रहे हैं। इस बार दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी में दोनों नए चेहरे हैं, तो इन्हें कैसे चुनौती देखती है? ये चुनौती के लायक नहीं है, ये बिल्कुल ही नए लोग हैं। उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी तो बिल्कुल डमी कैंडिडेट है, कुछ उनको समझ नहीं राजनीति की। वो पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के दम पर उन्होंने टिकट भी लेके आए हैं करोड़ रुपए देकर। क्या है उनके पास, क्या चीज़ है? सुबह शाम तक तो नशे में रहते हैं, रोड बनाने ठेका लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं खुलेआम। बालाघाट शहर के पास ही भ्रष्टाचार किया होगा ना, डेंजर रोड पर, बाईपास पर 13 करोड़ के रोड को 2 करोड़ बना दिया। जैसा आप बता रहे हैं करके सरस्वार जी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और अभी अपने इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि अगर एक भी भ्रष्टाचार मेरे ऊपर कोई सिद्ध करता है तो वो जो बोलेंगे वो हार जाएंगे। अच्छा, सिद्ध कर देते हैं, बोला मैदान में सिद्ध कर देते हैं। भ्रष्टाचार में वो भी किया है, भ्रष्टाचार और भी है। वो जो घर उनका जो है, वो घर पर कब्जा करके रखा है, ये तो उनके चाचा ने वीडियो वायरल किया है। आपको पूछना था ये कैसे किया आपने, ये भ्रष्टाचार नहीं है? उनको मारपीट कर रहा है, अपनी बहन को मारपीट किया, अपने जीजा को मारपीट किया, अपने चाचा को मारपीट किया, उनके पिता ने भी मारा, इन्हें भी मारा। उन्होंने बकायदा FIR कराई है कोतवाली बालाघाट में, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सिद्ध कर दिए तो अपने आप ही सिद्ध है बोलना, और कितना बोलोगे तो और सिद्ध भी कर देंगे। भी इनका जो अकोला में गिट्टी खदान है वहाँ भ्रष्टाचार है इनका, जैदी में जो जैदी के अंदर उन्होंने जो है एक पहाड़ी पूरी गायब भी कर दी, मिट्टी कैसा क्योंकि वो कैसा डाला हुआ। मतलब सरस्वार जी जो हैं, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो खनन माफिया है। खनन माफिया है, और वो मैग्नीज का माफिया भी है, डोलामाइट में भी उनका ऐसी काम है। सब तब कटेंगी में डोलामाइट की जो खदान है कि वहां भी ये है। उन्होंने काम क्या किया है? अरे भैया टिकोर लाल बार से विधायक है ना, तो सरस्वार 8 साल तक खदान ले ली, और क्या काम, उद्योग चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, क्या है? मंजारे जी, राजनीति से पहले आप क्या करते थे? राजनीति से पहले हम क्या करते थे, हम मतलब राजनीति करते थे स्टूडेंट लाइफ से। जेल से मैंने चुनाव लड़ा है, अब किसी ने जेल से चुनाव लड़ा हूँ मैंने 77 में, जब बालाघाट थाना जला के हम जेल में गए थे। राजनीति कर रहा है, खेती किसानी हमारी चलते रहती है। कभी ये विचार नहीं आया करके अब बहुत ज्यादा हो गया है बार बार जेल जाना और जनता की लड़ाई में इस प्रकार से प्रताड़ित होना प्रशासन के द्वारा, अब ये सब छोड़ा जाए, कभी विचार नहीं आया? संघर्ष हमारे लिए जरूरी है, संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष नहीं है तो फिर हमारा जीवन नहीं है। और हम जनता के लिए जितने बार भी जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। वो लगातार जा रहा, अभी भी जा रहे हैं हम तो जेल, रेत माफिया के खिलाफ हम भी जेल गए थे, हम मुकदमा चल रहा है, सजा भी हमको होगी 2 साल की, अभी कोर्ट से हमने परमिशन लिया है। वो जो कांग्रेस BJP चाहती थी, इनको परमिशन ना मिले, उम्मीदवार ना बने, चुनाव ना लड़े, तो हमारी लड़ाई तो चलते रहेगी जनता के लिए आखिरी दम तक, जब तक सांस से लड़ते रहेंगे हम, खटिया वटिया पे नहीं मरने वाले, मैदान में मरेंगे हम जनता के। चुनाव के लिए अभी आपने जनता से जन सहयोग के साथ में धन सहयोग भी मांगा था, तो क्या ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? नौबत क्या आन पड़ी, आर्थिक समस्या हमारे पास है, लेकिन अगर वैसे भी ये ही चुनाव का सही तरीका है कि हम जनता के वोट भी और जनता के धन पे भी हम चुनाव लड़े, वोट से भी और धन से भी, लोकतंत्र की सच्ची बात यही है। विरोधी तो कहते हैं कि मंजारे जी के पास बहुत संपत्ति है। मेरी संपत्ति क्या है, बता दे मैं कौन संपत्ति मेरे पास, बता दे जा रही खास संपत्ति की, मेरा खेत है, इसके बाद मेरा खेत है, और क्या संपत्ति, मेरा घर है, क्या संपत्ति? चुनाव प्रचार मेरा एक घर है। चुनाव प्रचार में जो महंगी गाड़ियां मेंटेन होती फिर वो कैसे होती? नहीं, कौन सी महंगी गाड़ी है, कौन सी महंगी गाड़ी कैसे बता दिया आपके प्राय विरोधी तो हर बात ये विरोधी तो है वो तो ना समझ है, उनको अकल है क्या, ना उनकी शक्ल है ना उनकी अकल है, शक्ल भी नहीं उस लायक है।
मेरी गाड़ियाँ ये खड़ी है, ये गाड़ी कौन सी, मेरी गाड़ी है। आप पहले सांसद, मेरे घर में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर में जिस कमरे में मैं रहता हूँ, मेरे पास एसी नहीं है आज तक, कभी एसी में सोता नहीं हूँ, कभी मैं पंखे में लगा सोता हूँ शुरू से, आज भी एसी नहीं सोता हूँ कहीं भी, एसी रहता अभी तो मैं बंद कराता, एसी नहीं मेरे को होना पंखा, मेरा एकदम सादा तरीके जीता हूँ, आम नागरिक जल जीता ना वैसे मैं जी रहा हूँ। इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो बालाघाट के लिए क्या विजन है, क्या काम कराना चाहेंगे बालाघाट की जनता? बालाघाट में तो काम ही काम, यहाँ हुआ क्या है, काम शुरू हुआ है अभी, वो सम्राट सिंह बोल रहे मैं उद्योग लाऊंगा, धंधे लाऊंगा, अरे तो तुम्हारे बाप ने कितना उद्योग ला दिया, 8 साल विधायक रहा था, उसको सटवाने क्या ला दिया, उद्योग की बात कर रहे हैं, गुमराह कर लोगों को। हम तो विजन ये है कि हम पहला काम तो हम करेंगे कि रेल का जो आवागमन है इसको बढ़ाएंगे, जोधपुर से नागपुर तक का इसकी फेरा बढ़े, मालगाड़ियाँ कम चले यहाँ पर। दूसरी बात, कटंगी से बालाघाट, कटंगी से बरघाट होकर सिवनी तक के रेल लाइन, नई रेल लाइन ब्लॉक के दल है और वहाँ से रेल का चलना है। फिर तांबे पे आधारित, कॉपर के आधारित जो है स्मेल्टिंग प्लांट यहाँ पे लगेगी, जिसकी बहुत जोरों से डिमांड है, फैक्ट्री जाता है यहाँ से कच्चा माल। तो यहाँ के उद्योगों के बारे में ये हमारा सोचना है कि यहाँ के लोगों को पलायन न करना पड़े, यहीं पर रोजगार मिले उनको। मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई को लेकर हमेशा बात आती है, कैसे देखते हैं महंगाई के मुद्दे पे? मोदी झूठ बोलते हैं हमेशा, और मोदी ने तो महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल के बारे में क्या बोला था कि हम इसको 30-35 रुपए देंगे, 40-45 रुपए देंगे, और डबल डीजल पेट्रोल का दाम है, मिट्टी तेल का दाम बढ़ गया, केरोसिन का, दाल चावल नमक मिर्ची सब पे तो दाम बढ़ा दिए, नमक पर टैक्स है, दही पर है, दूध पर है, स्याही पर है, दवाई पर सब पे टैक्स लगा रखा है, महंगाई तो बढ़ा रखी सब तक, गैस बढ़ा दिया, कौन सा काम किया? वो झूठ बोलते हैं, मोदी की गारंटी से झूठ की गारंटी है, काम की गारंटी नहीं है, काम कभी कुछ करते नहीं काम। मेरा आखिरी सवाल है, आपके द्वारा ऐसी चर्चा है बाजार में करके, आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी से टिकट को लेकर दबाव बनाया गया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो आप विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? चुनाव तो हमको लड़ना ही था, कांग्रेस से टिकट बोला था, जब हम कांग्रेस टिकट मांग गया था, ये सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जनता के दबाव से हमारे जो लोग थे प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की टिकट लो तो मिल जाएगी, और कांग्रेस के पास कोई खास उम्मीदवार नहीं है, और हमने कहा चलो ठीक है, बात मान ली उनकी, हमने टिकट के लिए गया। जब दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, हमको टिकट का ऑफर किया, मना कर दिया हमने, पार्टी माने का ऑफर किया, मना कर दिया, अरविंद सिंह से जब मना कर दिया हमने, जब मलाई थी कांग्रेस पार्टी में, अभी कांग्रेस पार्टी में क्या है, कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी पास, 553 लोकसभा सदस्य है, उसमें से सिर्फ 52 पे कांग्रेस पार्टी है। हम जा रहे थे उनकी मदद करने के लिए लोगों के कहने पर, लेकिन उन्होंने धोखेबाजी की, जनता भावना के साथ खिलवाड़ किया, हमको कोई अफसोस नहीं है इस बात का। लोग बोल रहे थे कि टिकट लाओगे तो एक तरफा चुनाव जीत जाओगे, मगर कांग्रेस के लोगों को यहाँ चुनाव नहीं जीतना था, उनको यहाँ पर चुनाव हारना था, बीजेपी को जिताना था, इसलिए सम्राट सिंह को टिकट दी सेटिंग करके और करोड़ रुपए लिए उससे, तो हम गए थे टिकट मांगने। मतलब कांग्रेस ने जानबूझ के भाजपा के सामने नरम चारा डाल दिया। बिल्कुल जानबूझ के डाला हमने, और अगर हमको नहीं दिया तो हिना कांवरे थी ना दो बार के MLA, वो इससे बहुत मजबूत थी, एक बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है और 96,000 वोट से बढ़ा रही थी, दो बार की विधायक, विधानसभा उपाध्यक्ष, उसके पिता मंत्री रहे, उनकी माँ विधायक रही है, पिछले बार की भी है वो, टिकट क्यों नहीं दिया? अब टिकट दे दो किसको, अगले वर्ग के लोगों को जिसके पास कितना वोट है, कोई मिला के 5,000, तो उसको दिखा। राहुल गांधी क्या बोलते हैं भारत यात्रा में, जातिगत जनगणना कराएंगे हम, जातिगत जनगणना होना चाहिए, पिछड़ों को ये हक मिलना चाहिए, कांग्रेस जातिगत समीकरण को साधने मतलब नाकामयाब रही है। नहीं नहीं, जातिगत समीकरण का नाकाम वो तो रही, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे कहने वो आप ये बात कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर ये लोकसभा में पिछड़ों क्यों उतारा आपने, हमको नहीं दिया, अफसोस नहीं थी ना कारों को देना था अगर आपको जीतना है तो, इसलिए उनको चुनाव जीतना ही नहीं था, तो जीतने की लड़ ही रहे हैं, वो लड़ने का के लिए वो बीजेपी को जिताने के लिए, मतलब कांग्रेस ही बीजेपी को जिताने के लिए मैदान पे। बिल्कुल सब सब स्पष्ट है, दिख रहा है ना, आप सब देखो ना, आप बात स्पष्ट है। तो आप देख रहे थे कंकर मंजारे जी को, जिन आरोप लगाए कांग्रेस के प्रत्याशी पर, उनके भ्रष्टाचार के आरोप, वो कह रहे हैं कि हम सिद्ध कर देंगे। वहीं एक तरफ सरस बारजी जो हैं वो कह रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचार के आरोप अगर मुझ पर कोई सिद्ध करता है तो वो जो बोलेंगे वो कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।